पोको M2 Pro। भले ये डिवाइस इंडिया में अभी लॉन्च ना हुआ बट लोग ऑलरेडी इस डिवाइस के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ जानते हैं। अब इसके पीछे लीक्स तो बिल्कुल नहीं है और ना ही पोको ने ऑफिशियली पूरे स्पेक्स को भी रिवील किया है। सो एक्चुअल में सीन कुछ ऐसा है कि ये डिवाइस पोको X2 की तरह अगेन एक रीब्रांडेड स्मार्टफोन होने वाला है शाओमी के कुछ डिवाइस का। अब यहाँ कुछ डिवाइस से मेरा मतलब है कि ये डिवाइस एक नहीं बल्कि दो शाओमी डिवाइस का कॉम्बिनेशन होने वाला है। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा हो या फिर आप पोको M2 Pro से थोड़ा बहुत भी अवेयर है तो फिर वो डिवाइस आपके माइंड में अभी तक क्लिक हो चुके होंगे, और अगर नहीं हुए हैं तो डोंट वरी गाइज, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट पोको M2 Pro। Alright guys, so Poco M2 Pro will be the rebranded version of Redmi Note 9 Pro and Redmi 10X Pro China variant। और जो मेजोरिटी स्पेक्स है वो Redmi Note 9 Pro के देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर Redmi 10X Pro के होते तो भाई फिर सीन कुछ और ही होता। Obviously आपको एक सुपर AMOLED पैनल देखने को मिलता जिसका वेट आई एम श्योर Xiaomi फैंस काफी टाइम से कर रहे हैं, और साथ में काफी बेटर कैमरा स्पेक्स भी देखने को मिल जाते। अब पोको से मेरा एक सवाल है कि जब हमें ऑलरेडी ये पता है कि ये डिवाइस एक रीब्रांडेड वर्जन होगा तो फिर आप एडवर्टाइजमेंट पर इतना पैसा खर्च क्यों कर रहे हो? जो पैसा आप खर्च कर रहे हो अगर आप वो कॉस्ट कम करने में लगा देते तो लगे हाथ हमें भी थोड़ा बेनिफिट हो जाता। खैर छोड़िए, इट्स अ काइंड ऑफ मार्केट स्ट्रेटेजी टू क्रिएट मोर हाइप फॉर दिस प्रोडक्ट। अभी स्पेक्स को लेकर एक क्विक ओवरव्यू करें तो ये डिवाइस एक सेंट्रल पंच होल डिस्प्ले के साथ में आएगा जो कि ऑलमोस्ट कन्फर्म है। अब यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का फीचर भी दिया गया है, तो आप ये मान के चलो कि ये डिवाइस एक IPS LCD पैनल के ऊपर ही आएगा। AMOLED पैनल नहीं होने की वजह से इस डिवाइस की कॉस्ट डेफिनेटली 15,000 के नीचे रहने वाली है। प्रोसेसर वही क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G देखने को मिलेगा जो आप ऑलरेडी Redmi Note 9 Pro और Max में देख चुके हैं। इवन कैमरा सेटअप तक आपको एग्जैक्ट सेम देखने को मिलता है, 48 मेगापिक्सल सोनी IMX586 के साथ में सिमिलर क्वाड कैमरा सेटअप। हालांकि कैमरा लेआउट या फिर मैं कहूं कि डिवाइस का जो रेयर पैनल है वो थोड़ा चेंज देखने को मिलता है जो कि Redmi 10X Pro से उठाया गया है। Redmi Note 9 Pro में चार्जिंग को लेकर एक कमी देखने को मिली थी, वो Poco M2 Pro में अब देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि यहां पर 18 वोट को रिप्लेस करके 33 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। बाकी बैटरी कैपेसिटी वही 5020mAh का ही रहेगा। एक और चेंज जो बेसिकली आपको Poco M2 Pro के साथ में देखने को मिल सकता है और वो है इस डिवाइस के कलर ऑप्शंस। यहाँ पर आपको Redmi Note 9 सीरीज के कंपैरिजन में कुछ एडिशनल कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो डिवाइस रीब्रांड है बट कुछ इतना बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिलता, बट प्रमोशंस कुछ ऐसे किया जा रहा है जैसे कि कोई ब्रांड न्यू डिवाइस लॉन्च कर रहे हो। गाइस पोको M2 Pro के हिट और फ्लॉप होने का एक रीजन आप गारंटेड मुझसे लिख के ले लो, ये डिवाइस अगर अग्रेसिव प्राइस पॉइंट के ऊपर आता है, लाइक इस डिवाइस का जो स्टार्टिंग वेरियंट है वो अंडर 15,000 रहता है, तो कहीं जाकर आप मान के चलो कि पोको के लिए कुछ चांसेस बनते हैं। प्राइस को छोड़कर इस डिवाइस को बाय करने का एक सिंगल रीजन मुझे नहीं लगता कि और कोई होना चाहिए। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने थॉट जरूर से शेयर करना। लेट्स वेट फॉर ऑफिशियल लॉन्च जो कि 7 जुलाई को है, सब कुछ आपके सामने होगा। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट पोको M2 Pro। अगर आप अभी भी वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक करके ही जाना, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना सो दैट हम अपने चैनल पर 100K का जो माइलस्टोन है वो जल्दी से पूरा कर सकें। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।